तो चलिए सीधा आपको पडरिया लेकर चलते हैं, जहां देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, श्री अशोक साहू जी, सियाराम साहू जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, रामकुमार भट्ट जी, ठाकुर रघुराज सिंह जी, योगी अग्रवाल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मौजूद सभी भाइयों बहनों को जय बूढ़ा देव कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये बाबा गुरु घासीदास की धरती, शीतला माता की धरती और राम के नैनिहाल की धरती है। इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावना बहन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट, आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट, और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है, और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है, वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। इस सरकार के तुष्टिकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। इस सरकार के तुष्टिकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना, और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकाल कर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए, ये मैं यहां विनंती करने आया। और साथ जिन
दुर्घटना होते ते में बहुत खर्चा आ जाते तो दुर्घटना में जतका इलाज लगी वो सरकार होकर भार वहन करी। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर में हो जाते, साइकिल में एक्सीडेंट हो जाते कई हाँ, तो में जतका इलाज है सरकार वहन करी। और डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना है तेकर 5 लाख तक से वो बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दे। अब तुम तो डबल फसल वाला हो, लेकिन तिवरा भी कहूं उतेरू तो अगले साल से समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्था हम करो तिवरा के भी। और उकरे साथ जिन ट्रक वाला मैंने अब यहाँ तो राइस मिल बहुत थे, ट्रक भी चलते, चरपहिया वाहन भी है, ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर के खैर लाइफ टाइम ओकर मन के परमिट ले लेते, किसान मन के छूट मिल जाते, लेकिन जेकर मन के टैक्स नहीं पटे ऐसा करीब 726 करोड़ रुपया ओकर मन के वसूली करे बाँचे हैं परिवहन के, वो सब ला हमन माफ करबो। और जाति जनगणना कराबो ओकर बारे में हमारे अध्यक्ष जी बोली, और मैं आपसे ही कहना चाहता हूं भाजपा वाला मन के गारंटी के तो कोई गारंटी नहीं है, यहां पे ओकर मन के गारंटी की गारंटी ओकर मन के बात ला पतियाओ नहीं पतियाओ ना। और कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है पक्का भरोसा था तो ढाक बताओ कांग्रेस के ऊपर भरोसा था आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना हो वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैं कहता हूं एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है, कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, अगर ये सारा पैसा दिल्ली चला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? हो सकता है क्या? ये 5 साल में हमने जो 15 साल में किया था उसकी उल्टी गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। इस सीएम इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, इसका टॉकिंग टाइम इतना ही है, उतना डेटा का टाइम इतना ही है जितने टाइम इनका प्रीपेड कार्ड स्वैप होता रहेगा। भाइयों बहनों, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं। इनको देखते ही पूरे छत्तीसगढ़ का युवा कहता है 30% भूपेश कक्का, पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश कक्का। शराब घोटाला किया, दो जरा ध्यान से गिनना माताएं बहने आप भी गिनना, शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से
मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। रोड में खाना। धन्यवाद परम श्रद्धे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। निश्चित ही हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा के संरक्षक, छत्तीसगढ़ को उन्नति के शिखर में ले जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए एक बार भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। इसके बाद मैं मंच के आदेशानुसार बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करूंगा, हमारे सभी प्रत्याशीगण यहाँ मौजूद हैं, पूरी विनम्रता के साथ परम श्रद्धे श्री धरेन्द्र भैया जी प्रत्याशी अभनपुर विधानसभा, आदरणीय श्री धरेन्द्र साहू जी। गरीबों का पैसा लेकर उनकी नौकरियां बेच रहे हो और पैसा कहां भेज रहे हो? उनके इतने सारे अफसर जेल में है, उनको चुनाव में आप वोट न दो इनका डर नहीं है। एक माताजी जेल में है, उनको डर है वो माताजी अपना मुंह न खोल दे वरना मेरा नाम बाहर आ जाएगा, इसका डर। माताओं भाइयों बहनों, कोरोना का शेष में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 700 करोड़ जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए आए थे उसका घोटाला किया और कई सारे घोटाले अभी बाहर निकलना भी बाकी है। भूपेश बघेल, मैं आज कह कर जाता हूं पंडरिया में आपकी उल्टी